दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई YouTube वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ iPhone 14 Plus। इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं, एंड मैं लास्ट में अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि ये वर्थ इट है या नहीं। सो वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं एंड हमें यहाँ पे आईफोन देखने को मिल जाता है, जो कि स्टार लाइट कलर है। मैंने स्टार लाइट कलर में इसको ऑर्डर किया था एंड इसके 5 वेरिएंट्स आते हैं, ब्लू, पर्पल, रेड, मिडनाइट एंड स्टार लाइट। सो सबसे पहले इसकी हमने यहाँ से रैपर उतार दिया है एंड ऐसा ये कुछ दिखता है। इसको हम बाद में भी देख लेंगे, पर मैं आपको सबसे पहले बॉक्स की चीज़ें दिखा देता हूँ। तो हमें एक यहाँ पे केबल मिल जाती है, जो कि बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र एंड चार्जिंग के लिए यूज़ होती है। एंड यहाँ पे हमें कुछ बुकलेट्स आईफोन की तरफ से जो आती हैं वो, एंड स्टिकर्स एंड एक ही पिन देखने को मिल जाती है। सो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए, एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि हमें चार्जर इसका एक अलग से परचेज़ करना पड़ता है, जो कि आईफोन के साथ नहीं आता है। तो मैंने ये 20 वोल्ट का चार्जर लिया है आईफोन के लिए, यू कैन सी दैट। अब हम चलते हैं आईफोन की तरफ। इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये एलुमिनियम के थ्रू बनाया गया है पूरा का पूरा इसका फ्रेम एंड बॉडी स्ट्रक्चर। एंड इसमें जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी आईफोन पहले थे तो उसमें एक बड़ा इशू आता था कि हम उसको पकड़ते थे तो यहाँ पे साइड में ऑयल एंड डर्ट हमें देखने को मिलती थी बहुत ज़्यादा, जो भी हमारे हाथों से लग जाती थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस एंड अच्छा नहीं लगता, मतलब देखने में फील नहीं आती थी यूज़ करने में। उस चीज़ को यहाँ पे इंप्रूव करके इन्होंने यहाँ पे एल्युमिनियम फ्रेम का यूज़ किया है, जिसकी वजह से कोई भी ऑयल एंड डर्ट आप देख सकते हो देखने को नहीं मिलती है। इसके अगर मैं डिस्प्ले साइज़ की बात करूं तो ये पूरा का पूरा फ़ोन 6.7 इंचज़ का है, एंड जो कि 21% ज़्यादा बड़ा है आईफोन 14 से। सो बेसिकली एक प्लस वेरिएंट है, तो उसमें कुछ चीज़ें आईफोन 14 से ज़्यादा हैं। एंड इसकी स्क्रीन में सुपर रेटिना XDR OLED टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है विद HDR10। आपको मैं दिखा देता हूं कि ये कैसा फील देता है इन सब चीज़ों के साथ। सो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी वीडियो चलाई है इसको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है जब ये सारी चीज़ें एक साथ हमें देखने को मिलती हैं। एंड इसके ब्राइटनेस लेवल की मैं बात करूँ तो ये अप टू 800 निट्स तक जाता है, एंड इसकी पीक ब्राइटनेस जो है वो अप टू 1200 निट्स तक चली जाती है। वीडियो के इस पार्ट में आगे बढ़ते हुए हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसका जो प्रोसेसर है वो है A15 बायोनिक चिप विद 5 कोर ऑफ GPU। एंड आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो आईफोन 13 प्रो में भी सेम था, वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सुपर स्पीडी था, तो इनको अपग्रेड करने की एक्चुअली में नीड ही नहीं पड़ी। एंड हम सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम S Fold 9 गेम खेलने वाले हैं इसमें थोड़ी देर के लिए, एंड आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें परफॉर्मेंस कैसी मिलती है हमें। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज भी इसमें कोई इशू नहीं है। एंड इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके स्क्रीन साइज़ बड़े होने की वजह से
हमें सराउंड साउंड का जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड आप इसमें कोई मूवी वगैरह वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हमें आईफोन ने बना कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा मतलब 3D साउंड इफेक्ट जो है वो मुझे काफ़ी इंप्रेस करा इस फ़ोन के अंदर। एंड गाइज, इसके कैमरे की अगर हम बात करें तो इसमें जो रियर कैमरा में दो दिए गए हैं वो प्राइमरी 12 मेगापिक्सल का है, एंड जो सेकेंडरी कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए वो भी 12 मेगापिक्सल का है। एंड इसमें हम 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अप टू 24 FPS। या एंड इसके फ्रंट कैमरा भी हमें 12 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेम 4K रिकॉर्डिंग अप टू 24 FPS। सो इसका कैमरा टेस्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस वीडियो में कैसा लगता है। गाइस, कैमरा को अच्छे से रिव्यू करने के लिए हमें कंपैरिजन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आईफोन 13 लेकर आया हूँ। सो हम देखने वाले हैं कि इन दोनों फ़ोन में कितना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है कैमरा के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको लो लाइट शॉट्स एंड एक्शन मोड और बाकी भी चीज़ें जितनी भी होती है कैमरा के अंदर वो सभी मैं आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। तो गाइज, ये दोनों फ़ोन का सिनेमैटिक शॉट है, आप देख सकते हैं किसकी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी किसकी नहीं। एक्शन मोड हम टेस्ट कर रहे हैं, लेट्स गो। जीरो, पकड़ो 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 पकड़ो। तो आप सभी ने देख लिया है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, पर हाँ, देर इज़ बिट क्लैरिटी इन आईफोन 14 प्लस कैमरा, एंड हमें डिटेलिंग भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ऑफकोर्स यार, मतलब अगर ये अपग्रेडेड वेरियंट है तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क होना ही चाहिए, तभी लेने में मज़े आते हैं चीज़ों को। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूँ, आईफोन ने ऑफिशियली क्लेम किया है कि दिस सीरीज़ हैविंग द लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ एवर इन द आईफोन। सो ये 4325 mAh कैपेसिटी के साथ हमें मिलता है, एंड ये 50% चार्ज सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है। इसके वीडियो प्लेबैक टाइम की मैं अगर बात करूँ तो ये 26 आवर तक कंटिन्यूस आपको प्लेबैक दे सकता है। एंड बाकी पर्सनली मैंने भी इसको 2 दिन पहले परचेज़ किया था, एंड मैं तब से लेकर अब तक मैं इसको सिर्फ लगातार चला रहा हूँ। मैंने कभी इसमें गेम खेली है, एंड वेब सर्फिंग करी है, अपने कुछ गाने वगैरह सुने हैं, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस टाइप की बैटरी देख के आईफोन के अंदर। क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि आईफोन की बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है, पर ये प्रॉब्लम इस सीरीज़ के साथ मुझे तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। बाकी इसके जनरल स्पेसिफिकेशन की मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ पर आपको ये सिम ट्रे हमेशा की तरह देखने को मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ एक ही सिम लगेगी, एंड बाकी इसमें ई सिम का भी ऑप्शन है। तो 2 सिम हो गई है, ई सिम भी इंडिया में आई नहीं है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। 5G सपोर्ट है इसके अंदर, 128 GB का वेरिएंट है ये, एंड दिस इज़ वाटर रेजिस्टेंट। तो अगर ये पानी वगैरह में डालते हो तो कोई इसमें इशू नहीं आता है, आप इसके अंदर पानी के अंदर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, मैं अभी फ़िलहाल तो 90,000 के अराउंड मिल रहा है बाहर मार्केट में, कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको शायद 85 का ही पड़ जाए। सो यही इसके फ़िलहाल हाल है, और स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक इज़ ओके, कहीं से भी आप ले सकते हो उसको, ऑनलाइन से या फिर इनके एप्पल ऑफिशियल ऑफलाइन स्टोर से, रिटेलर स्टोर से। सो गाइस, वीडियो में यहाँ तक तो हमने इसका रिव्यू देख ही लिया है, अब मैं यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस फ़ोन को लेकर कि ये वर्थ इट है या नहीं इस प्राइस रेंज पर ख़रीदने के लिए। तो इसमें प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट्स हैं, पहले प्लस हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लस पॉइंट है
वो ये है कि इस प्राइस रेंज में आईफोन ने कभी भी इतना बड़े डिस्प्ले में फ़ोन नहीं दिया था। जो लास्ट हमने फ़ोन देखा है वो 8 प्लस था, एंड उसके बाद से यहाँ पे प्लस सीरीज़ इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी। हमने सिर्फ आईफोन 11 मिनी, 12 मिनी एंड 13 मिनी देखा है। अगर आपको इतनी बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आपको प्रो मैक्स के लिए जाना पड़ता था, जो कि अगेन आपको 1.3 लाख से अबव भी कोस्ट करता था हर बार जब भी हमने देखा है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको बड़ा साइज़ मिल रहा है 90,000 में। अब अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो मुझे जो लगा वो ये है कि इसमें 60 हर्ट्ज़ का स्टिल रिफ्रेश रेट दिया है एप्पल ने और उसको बढ़ाया नहीं है। ये सबसे मुझे बेकार पॉइंट लगा है इस फ़ोन के अंदर। एंड अगर आपने इससे पहले आईफोन 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स यूज़ किया है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये फ़ोन परचेज़ करें 14 प्लस, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है आपको बहुत ज़्यादा खनकेगा एंड आपको बार बार ये चीज़ याद दिलाएगा कि कितना स्लो लग रहा है मतलब देखने में। अगर आपने एक बार 120 हर्ट्ज़ यूज़ कर लिया तो आपको ये डेफिनेटली काफ़ी स्लो लगेगा। तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। एंड रही बात वर्थ इट है या नहीं उस चीज़ की, तो राइट नाउ इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। आपने पहले भी देखा होगा कि आईफोन XR सीरीज़ आई थी तो उन्होंने उसे काफ़ी मतलब हाई प्राइस पे रखा था, पर वो फिर सेल नहीं हो पाया। तो सेल वगैरह में जब इन्होंने निकाली तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे लोगों ने ख़रीदना शुरू किया और उसकी काफ़ी ज़्यादा सेल वैल्यू बढ़ी थी फिर इंडिया के अंदर। सेम चीज़ मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसके साथ भी होएगा, इसका प्राइस जल्दी कम हो जाएगा, काफ़ी टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे सेल में ख़रीदें, एंड कितने कम प्राइस पे ख़रीदना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर 90,000 में अगर आप इसे अभी ले रहे हैं थोड़ा सा वेट करके इसको आप डिस्काउंटेड प्राइस पे लें तो वो ज़्यादा बेटर है। सो गाइज़ ये मेरी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई हो। मैंने कोशिश करी इस फ़ोन के बारे में समझाने के लिए थोड़ा बहुत, एंड कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट में कोई आपको गलती लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे बिल्कुल सीखने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हो उससे ये होता है कि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे भी कोशिश करूँगा अपने चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने की, नए नए टेक्निकल गैजेट्स, टेक गैजेट्स जितने भी अच्छे अच्छे हैं, प्रीमियम हैं और थोड़े यूनिक हैं, तो ये चैनल उसी के ऊपर है, आप सभी के लिए है, नॉलेज बढ़ाने के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय।